कहानी लूना की जुबानी। मैं रॉयल हाइट्स की बहुत पॉपुलर स्टूडेंट थी, एक जाने माने बिलीनियर और एक सुपरस्टार की बेटी, पर मुझे जाति से निकाला गया सिर्फ प्यार की वजह से, जिससे सब मेरे खिलाफ हो गए। अभी मैं जो कर सकती हूँ कि सारी बुली को अनदेखा करके किसी तरीके से स्कूल में अपने दिन काट सकती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मैं ज्यादा अट्रैक्शन अपनी ओर ना खींचू। पूरे स्कूल में सब लोग मुझे लूनी लूना बोलकर बुलाने लगे, या फिर लूनेटिक कहते थे। और तभी वह आ गया, मैक्स कॉपर। यह एक नया स्टूडेंट था जो कि हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया से आया था। बहुत ही अच्छा देखने में था और स्मार्ट था, और साथ ही उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी काफी इम्प्रेसिव थी। बहुत आसानी से वह सबका फेवरेट बन गया, खासकर लड़कियों का। मैं मैक्स के लिए स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि हम दोनों को इंग्लिश प्रोजेक्ट के लिए बाहर बुक शॉप में जाना था। मैं 10 डिज्नी म्यूजिक की साउंडट्रैक पियानो में बजा चुकी थी, क्योंकि फिलहाल मैक्स फुटबॉल ट्रायल के लिए गया हुआ था। मत पूछिए कि मैं डिज्नी मूवी इतनी पसंद क्यों करती हूँ, मेरे भाई ने यह मेरे दिमाग के अंदर घुसाया है। मेरे मुंह से एक सांस निकली जब मैं अपनी घड़ी को देखा। मुझे हैरत हो रही थी कि कब तक फुटबॉल ट्राईआउट चलता रहेगा। आंखें बंद करके मैं अपने आप को ही दोष देने लगी, बेवकूफ लूना, तुमने उसका नंबर क्यों नहीं मांगा ताकि तुम उसे टेक्स्ट करके पूछ सकती थी। और मुझे पूरा यकीन है मैक्स को पता नहीं होगा कि मैं म्यूजिक रूम में हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मैक्स से मिलने के लिए अब एक ही रास्ता बचा हुआ है, बुक स्टोर जाने से पहले। यह ऐसे ही बहुत दर्दनाक और अस्वास्थ्यकर माहौल था। राज को खोने के बाद मेरा सीना अभी कड़क हो जाता है जब मैं राज को देखती हूँ। मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं मैक्स को अभी बेहद परेशान कर दिया, क्योंकि मैंने जानबूझकर उसे अनदेखा किया। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? उसकी आवाज़ अभी मेरे कानों में गूंजती है। कोई भी इस तरह से इग्नोर किया जाना डिजर्व नहीं करता, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरा और कोई दोस्त नहीं है। और अगर अचानक मैक्स मुझसे दोस्ती कर ले तो पूरा स्कूल उससे नफरत करेगा, सिवाय अगर मैक्स भी आउटकास्ट बनना चाहे। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर पियानो की बेंच में खड़ी हो गई। मेरी जिंदगी यहाँ रॉयल हाइट्स में खराब हो गई। फिर भी मैं यह निश्चित करना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए मुझे अभी अपनी चिंता इंग्लिश असाइनमेंट खत्म करने में लगाना चाहिए। इसी वजह से मुझे मैक्स से फुटबॉल फील्ड में मिलना पड़ेगा, बावजूद इसके कि मैं रात से वहाँ आमने सामने हो जाऊँ। कहानी मैक्स की जुबानी। फुटबॉल ट्रायआउट में न सिर्फ कोच विलियम मुझे खेलता हुआ देख रहे थे, बल्कि बाकी सीनियर क्लास के प्लेयर भी देख रहे थे, खासकर राज मल्होत्रा जो कि फिलहाल टीम के कैप्टन हैं। मुझे काफी इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे, जहां कोच मेरी तरफ प्रॉपर टेक्निक यूज करते हुए देखना चाहते थे। मुझे अपने पोजिशन में वह दिखाना होगा। पहले कोच ने कहा कि मेरी स्पीड देखेंगे, वह देखना चाहते थे मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। मुझे लगता है वह खुश है जिस तरह से उसने सिर हिलाया। और अब मुझे बैटरी ड्रिल में लगाया, जहां वह देख रहे थे मैं कैसे बॉल फेंक रहा हूं और उसे रिसीव कर रहा हूं। मेरे चेहरे में मुस्कान आ गई जब कोच मुझे छोटी दूरी से बॉल को फेंकते हुए देख रहे थे। मेरी स्किल्स और भी देखे जाएंगे कि मैं अलग अलग दूरियों से फील्ड गोल दे पा रहा हूँ या नहीं, तो अब मैं वही कर रहा हूँ। मैं फुटबॉल बेहद पसंद करता हूँ। ट्रायल खत्म होने के बाद कोच मेरे कंधे में हाथ रखकर एक बहुत बड़ी मुस्कान दी, इससे पहले कि दूसरे ट्रायआउट के बच्चों के पास गए। मुझे अब इंतजार नहीं होता यह टीम ज्वाइन करके खेलने का। राज मेरे पास आकर मुझे एक पंच देकर कहा, हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे साथ खेल सकूंगा। मैं मुस्कुराकर कहा कि कोच अब तक कुछ जवाब नहीं दिया। उसने कहा, कोच तुम्हें टीम में ले लेंगे, जिस तरह से वह तुम्हें देखकर खुश हो रहे थे, और वह कल तक का इंतजार नहीं कर पाएंगे तुम्हें टीम में लेने के लिए। आज शाम तक ही रिजल्ट आ जाएगा, राज मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुश होने लगा कि शाम तक, लेकिन तभी ध्यान आया मुझे उस अजीब क्लासमेट लूना के साथ इंग्लिश का असाइनमेंट करना है। यह ध्यान आते ही मुझे लगा कि मुझे लॉकर में जाकर खुद को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं पसीने से बिल्कुल भीगा हुआ हूँ। यह कहते हुए
मैं उस लड़की को देखा जो बेंच में बैठी हुई थी। उसकी आंखें उन पन्नों के साथ चिपकी हुई थी जो वह पढ़ रही थी, जैसे कि दुनिया की और सारी चीज उसने बंद कर रखी हो। हाँ, लूना माथुर और उसकी दुनिया। मुझे यकीन है बहुत सारे लड़के उसकी इस किताब में शामिल होना चाहेंगे। मेरी आंखें उसका पीछा कर रही थी जब हल्की सी हवा चली तो वह अपने खुले बालों को कान के पीछे करने लगी। उसकी आंखें अभी किताब में थी जब वह अपने होंठ गीले कर रही थी। वह वहां पर क्या कर रही है? राज की आवाज से मेरा ध्यान भंग हुआ जब मैं उसे देखा। राज का जबड़ा टाइट हो गया, उसके होंठ एक पतली लाइन बना रहे थे। जब वह लूना को देख रहा था उसकी आंखों में कुछ जल रहा था जो झुंझलाहट से ज्यादा था, शायद गुस्सा था। लंबे पैर चलाता हुआ लूना के उल्टे दिशा में चला गया। उसका दोस्त मेरा प्रोफेशनल टीम का खिलाड़ी उसके ऊपर चिल्लाने लगा, अरे लूनैटिक, तुम यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से, कहता हुआ वह भी राज के पीछे पीछे चला गया। मैं अभी जो सुना उसे बयान नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी वह उसे ऐसा कहेगा, और मैंने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि वह आकर मेरा इंतजार करेगी। मैं उन दोनों के पीछे पीछे गया और फिर राज को रोक कर कहा कि वह मेरा इंतजार कर रही थी, हम दोनों को एक टीम असाइनमेंट पूरा करना है। राज ने अपनी आंखें घुमाई और मुझे बिल्कुल अनदेखा किया, जैसे कि मेरी बातों का उसके लिए कोई अहमियत नहीं। मैंने देखा वह अपनी मुट्ठियों को भींच कर लॉकर में वापस चला गया, जैसे कि काफी नाराज हो। वो दूसरा लड़का जो लूना को लुनाटिक कहा था वह भी लंबी सांसें छोड़ता हुआ मुझे देखा। मुझे लगा मेरे अंदर कुछ हो रहा है, हालांकि यह मेरा मामला नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसे अपमान डिजर्व नहीं करता। उसके नाम के आधार पर कोई उसका मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि काफी नफरत से लूना के साथ बात की थी। मुझे लगता है मुझे तुम्हें यह सूचना देनी होगी क्योंकि तुम यहाँ नए आए हो, उस लड़के ने कहा। अगर मैं तुम्हारी जगह रहता मैं सावधान रहता और लूना को कभी भी राज के सामने नहीं लाता, न ही राज के सामने उसकी बातें करता। मैं अपनी त्योरी चढ़ा ली क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि यह आखिर इतनी बड़ी बात क्यों है। अगर राज उसे पसंद नहीं करता तो उसे इग्नोर कर सकता है, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई ट्रैकर लगा हुआ है, और मैं कौन होता हूँ कहने वाला तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं। वह लड़का वहाँ से निकल गया और मैं वहाँ बेवकूफों की तरह खड़ा रह गया। मैंने अपना सर लूना की ओर घुमाया जो कि अभी काफी धैर्य के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। वह वहाँ अकेली बैठी हुई थी और अब उसकी आंखें किताब पर नहीं बल्कि मेरी ओर थी। मैं दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया, मैंने उसे बुलाया और उसने अपनी किताब बंद कर ली। जब मैं उसके भाव को देखा इस बात का उसे जरा भी असर नहीं पड़ा था, ऐसा लगा कि उसे उसकी आदत है। मुझे अभी लॉकर रूम में जाना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा और फिर हम जा सकते हैं। जाने वह कितने देर से मेरा इंतजार कर रही थी और मैं वहाँ ट्रायआउट में फंसा रहा। उसने अपना सिर हिला के कहा ठीक है। एक बार जब मैं लॉकर में नहाकर कपड़े बदल लिए, कोच से दोबारा मिला जो कहे किस तरह मैंने ट्रायल को बाखूबी निभाया है। मैं अपनी जैकेट लटकाकर वापस से मैदान में आ गया। मैंने एक राहत की सांस छोड़ी जब मैं उसे उसी जगह पर बैठा पाया। अच्छा हुआ वो लॉकर रूम के बाहर हॉल में नहीं आई, नहीं तो फिर से रात से टकराती। मैंने लूना की तरफ देखा जिससे वो खड़ी हो गई और मेरे साथ चलने लगी। बिना कुछ कहे हम पार्किंग लॉट में आ गए थे। मैं जब अपनी बाइक तक पहुंच गया मैं रुक गया और उसका सामना करने के लिए मुड़ा। वह बिल्कुल चौंक उठी, वह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई। उसका चेहरा यह साफ साफ बयां कर रहा था। उसकी आंखें मेरे बालों को देखने लगी, ना जाने मेरे बालों में क्या देख रही थी जो बिल्कुल अस्त व्यस्त थे और उसमें पानी टपक रहा था। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं मोटर बाइक से? मैंने पूछा। हूँ, उसने अपने ख्यालों से बाहर आकर कहा। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? उसने शायद यह कभी ट्राई किया ही नहीं होगा। उन लोगों में से है जिसे ड्राइवर यहाँ ड्रॉप करते होंगे, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। उसके जवाब का इंतजार ना करके मैं अपनी बाइक में बैठ गया, अपनी जैकेट पहन ली और इंजन स्टार्ट की। एक बार लगा था अपनी जैकेट उसे दे दूं क्योंकि उसे ठंड लगेगी, लेकिन वह अपने ब्लेजर में कम्फर्टेबल लग रही थी। क्या तुम वहाँ खड़ी ही रहोगी? मैंने उसे याद दिलाया जहाँ उन ख्यालों में खड़ी थी कि वह मोटर बाइक में मेरे साथ यात्रा करने वाली है। हे भगवान लूना, यह दुनिया तुम्हारा हमेशा के लिए इंतजार नहीं करेगी। बहुत ही गंदी बात है उससे ऐसा कहना जो मेरे लिए घंटों इंतजार कर रही थी। मैं चुपचाप अपने आप को कोसने लगा। लूना सहन करती हुई अनिच्छा के साथ मोटर बाइक में चढ़ गई। वह बिना हिले डुले बैठी हुई थी। मैंने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम खुद को मार देना चाहती हो? और उसे
समझ आ गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने धीरे से मेरे जैकेट के साइड को पकड़ा, पर यह भी सेफ नहीं है। जिस तरह से वह मुझे पकड़ रही थी, ऐसा सोच रही होगी कि मैं उसे जला दूंगा, और अब मुझे यह चीज एकदम धीमे गति से चलाना होगा। आखिर में हम यह बुक स्टोर में पहुंच गए। मैंने देखा लूना अपने आंखें बुकसेल में घुमा रही थी, हमारे असाइनमेंट के लिए सबसे सही किताब ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने कहा था कि उसकी फेवरेट बुक स्टोर है, तो मैं उस पर भरोसा कर रहा था। उसे स्टोर की असिस्टेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, वह खुद ही ढूंढने लगी। बुक स्टोर में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, क्योंकि यह इस गली में एक और नीचे बुक स्टोर है। नीचे वाला शायद मुख्य दुकान है और यह इसकी शाखा है। मुझे लगता है लूना ने इसलिए इसे चुना होगा क्योंकि उसे लोग पसंद नहीं। वह अपनी उंगलियों को गाल में थपथपाते हुए बायोग्राफी की किताब की टाइटल को पढ़ रही थी, और मैं यह सोचने लगा कि फुटबॉल ट्रायआउट के बाद जो मैदान में हुआ, वह लड़के उसे सर दर्द की तरह बर्ताव कर रहे थे। लुनैटिक, कितना गंदी तरीके से उसे अपमान किया, जबकि उसका नाम कितना अच्छा है। और राज का एक्सप्रेशन और उसके दोस्तों की बात सुनकर लगा कि शायद राज और लूना के बीच में जरूर कुछ होगा। मुझे घंटा फर्क पड़ता है, फिर भी न जाने क्यों मुझे अपराध बोध हो रहा था, क्योंकि यह घटना होती ही नहीं अगर वह मेरे वहाँ बैठकर इंतजार नहीं कर रही होती। लूना ने एक सांस छोड़ी, कहा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा। फिर मेरी तरफ मुड़कर कही कि मेरे पास कुछ आइडिया तो है, पर मुझे पता नहीं तुम्हें वह मजेदार लगेंगे भी या नहीं, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम ऐसा कोई किताब चुनो जो तुम्हें पढ़ना पसंद करोगे। तुम्हारे दिमाग में क्या है? मैंने अपना सर थोड़ा टेढ़ा करके उसे देखा। लूना अपने होंठ काटने लगी, और मुझे इससे नफरत है जब हम दोनों एक दूसरे के इतने पास खड़े होते हैं, जैसे कि अभी इस छोटे से कॉरिडोर में बुक सेल्फ के बीच में खड़े हैं, क्योंकि इससे मेरा ध्यान उसकी होंठों की तरफ जाता है। शिट, उसने कहा, मैं किसी म्यूजिशियन या आर्टिस्ट के बारे में सोच रही हूँ। यह सुनकर मैं अपनी आंख घुमाई। उसने कहा, देखो तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? मैं थोड़ा मुस्कुराया, कहा, अगर मुझे चुनाव करना हो तो मैं इस दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉल प्लेयर को चुनूंगा। मुझे पता था लूना अपने आंखें बंद करके अपना सर को पीछे सेल्फ की ओर टिकाया। जब उसने दोबारा आंख खोली तो सांस छोड़ते हुए कही, मुझे फुटबॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मैंने कहा, हम उनकी जर्नी के बारे में पढ़ेंगे, ना कि फुटबॉल कैसे खेला जाता है। उसने तिरछी नजर से देखते हुए कहा, यह बहुत बोरिंग होगा। मैं मजाक उड़ाया तुम्हारे लिए, जिससे उसने अपने होंठ दबा लिए, पर कम से कम हम बातचीत कर रहे थे, यह एक उन्नति है। ठीक है, तब एक पॉलिटिशियन के बारे में कैसा रहेगा, मैंने पूछा। वह मुझे खौफ से देखने लगी, कहा, यह तो और बुरा है। मेरे सामने जो सेल्फ में बायोग्राफी की किताबें रखी हुई थी, मैं उसे देखने लगा और एक किताब ने मेरा ध्यान खींचा। एक नखरे वाली मुस्कुराहट मेरे होंठों पर आ गई, जैसे मैंने उसे निकाला और लूना को दिखाया। मैंने कहा, मैंने अपना इरादा बदल लिया है, मुझे म्यूजिशियन के बारे में लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर मैं इस बुक को चुनूं तो। नेहा शेट्टी के स्टेज के बाहर की जीवनी। अब लूना मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैंने पूछा, क्यों? यह तो तुम्हारी माँ है, तुम उनके बारे में सब जानती हो और तुम्हें आसानी से ए मिल जाएगा। वह पूरी जंगली की तरह अपना सिर हिलाने लगी, और यह दृश्य मुझे मजेदार लगा, जिससे मुझे उसे और चिढ़ाने का मन हुआ। या फिर हम तुम्हारे पापा की किताब चुन सकते हैं, मैंने अपनी भौं ऊंची करके अपने हाथ को अपने जींस के पॉकेट में डालते हुए कहा। मुझे यकीन है यह आसपास कहीं होगा। मैं वहां ढूंढने लगा और मुझे वह किताब दिखा, देव माथुर, सोच की स्पीड से बिजनेस, या फिर देव माथुर चैंपियन की तरह सोचता है। मैक्स, लूना फुफकारी, जैसे वह आइडिया पसंद नहीं आया। ऐसा लगा कि वह मुझे मार देगी अगर उसके पेरेंट्स के जीवनी पर हम काम करें। एक और नखरे की मुस्कुराहट होठों में लाकर मैं अपना कंधा उचकाया। तुम्हें पता है ना, यह A+ काफी अच्छा रहेगा। पर यह नहीं होने वाला, उसकी आवाज में नाराजगी थी। कोई तरीका नहीं है कि मैं उन किताबों को चुनूं, मैं हंसने लगा, कहा, क्यों, मुझे आलोकित करो,
क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के जिंदगी के सफर के बारे में नहीं लिखने वाली, वह अपने दांतों पर दांत दबाते हुए कही। इससे मेरा और मनोरंजन होने लगा। उसे लगता है कि मैं सीरियस हूँ और मुझे नहीं लगता हमारी इंग्लिश के टीचर यह मानेगी, यह चीटिंग ही समझेगी। अब उसने अपनी धीमी आवाज में बकी, इसके अलावा इन किताबों को बिना रोए पढ़ना मेरे लिए नामुमकिन है। यह सुनकर मैं चुप हो गया। क्या इनकी कहानी के पीछे कोई दुख छुपा हुआ है? मैं एंटरटेनमेंट न्यूज़ फॉलो नहीं करता, ना ही गॉसिप चैनल, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि माथुर एंटरप्राइज या फिर नेहा सेट्टी के नाम के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। मेरी छोटी बहन शीना यह सुनकर मेरा मजाक उड़ाएगी, यह तो कहीं नहीं जा रहा है। लूना ने अपने शरीर को सीधा करते हुए और मेरे एक कदम और करीब आते हुए कहा, हमें यह ट्रेडिशनल तरीके से करना पड़ेगा, हम दोनों में जो जीतेगा वही किताब उठाएगा। मैं त्योरी चढ़ाई, कौन सा ट्रेडिशनल तरीका? उसने कहा, रॉक पेपर सीजर। मैंने कहा, हम लोग कोई किंडरगार्टन में नहीं है। वह मेरी तरफ घूरने लगी जैसे कि खुद की नजरों से मुझे डराना चाहती हो, पर यह काम नहीं करने वाला क्योंकि वह मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। उफ, क्या मैंने उसे क्यूट कहा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मैक्स, लूना ने कहा, हम और समय बर्बाद नहीं कर सकते यह फैसला करने में कि कौन सी बुक चुननी है। आखिरकार इस गेम में मेरी हार हुई और उसने अपने पसंद की किताब उठा ली। मैं कॉफी शॉप में बैठे अपनी कोल्ड कॉफी पी रहा था और मैं काफी गुस्से में था, अपनी झुंझलाहट दिखा रहा था और वह बैठे बैठे ऐसा लग रहा था दोनों का काम खुद ही कर देगी। कॉफी पीकर मैंने कप को जोर से टेबल पर रखा जिससे वो मेरी ओर देखी और मुंह दबाकर हंसी। और तब मुझे एहसास हुआ, लूना माथुर को मैं पहले बार मुस्कुराते हुए देखा, तरोताजा। इससे मैं तरोताजा हो गया। जब वह घूर कर देखती है तो काफी क्यूट लगती है, पर जब मुस्कुराती है मैं तरोताजा हो जाता हूँ। अब मेरा इस असाइनमेंट में कोई भी दिलचस्पी नहीं रह गई थी, इसलिए मैंने सोचा उसे छोटी मोटी बात करता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स के जीवन में ऐसा क्या है कि तुमने कहा तुम उसे पढ़कर रो दोगी? छोटी छोटी बातों से हम नए दोस्त को जान सकते हैं, और इससे अच्छा क्या है कि इसके परिवार के बारे में पूछा जाए। और फिर मुझे याद आया कि लूना माथुर तो मुझे अपना दोस्त मानती ही नहीं। उसने साथ के साथ जवाब नहीं दिया और काफी ध्यान से काम कर रही थी। उसकी पलकें इतनी बड़ी बड़ी और घनी थी कि मेरी नजरें उसके चेहरे पर ही थी। वह सांस छोड़ते हुए कही कि मैं उसे पढ़ नहीं पाती, उनकी बायोग्राफी में उनके संघर्ष के बारे में लिखा हुआ है और उनमें शायद यह भी लिखा होगा कि वह आपस में कैसे मिले थे। आखिरकार लूना ने पेन नीचे रखा और चेयर में अपनी पीठ टिकाकर बैठ गई, पर अब भी मुझे नहीं देखा। लूना ने अपनी आंखें बंद कर ली, कहा, उनकी लव स्टोरी काफी दुखद है। लेकिन फिर आंखें खोलकर मेरी ओर देखी और सोचा, अभी अभी उसने अपनी व्यक्तिगत बात मुझे बता दी, पर मुझे यह कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा। मैंने उपहास करते हुए कहा, यह उतना भी बुरा नहीं होगा जितने मेरे पेरेंट्स की लव स्टोरी है। वह अविश्वास के साथ मेरी ओर देखने लगी, लेकिन मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कि मैं जानता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरे डैड मेरी माँ से प्यार करना नहीं छोड़े थे, 7 साल हो गए थे और मेरी माँ उन्हें भूल गई थी, लूना ने कहा, और मेरे भाई के बारे में भी नहीं सुनना चाहती जिसे सबसे अधिक चोट पहुंची थी, उन लोगों से जो हमारे परिवार को तोड़ देना चाहते थे। मैंने कहा, मेरे डैड मेरी माँ की जान बचाने के लिए 3 गोलियां खाई थी। यह सुनकर उसने जोर से सांस छोड़ी, उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी बड़ी हो गई, उसके मुंह से शब्द निकला, यह तो पागलपन है। मैं मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पता है किसी ने कहा है अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करे वह कभी हाल नहीं छोड़ता। लूना मेरी ओर ऐसे देखी जैसे कि मैं कोई पवित्र बात कर रहा हूँ। पूछा, क्या यह सच है? क्योंकि मेरी माँ भी यह बात कहती है, पर उसकी आंखों में उदासी थी। मैं ही बेवकूफ हूँ जो यह टॉपिक छेड़ दिया। मैंने पूछा, तुम्हारा यह नाम तुम्हारे माता पिता ने रखा है क्या? उसने कहा, मेरी माँ को गैलेक्सी पसंद है, वह कहती है कि डैड नेपच्यून है क्योंकि वह सपनों और मायाजाल का प्रतीक है। मैं सोचने लगा, क्या लूना वही लड़की है जिसे मैं स्कूल में देखता हूँ? क्योंकि यहाँ इस जगह पर बिल्कुल आजाद है, बेफिक्र है और उस तक पहुँचा जा सकता है। मुस्कुरा रही थी, उससे बिल्कुल अलग है जैसी वो स्कूल में रहती थी। मेरे भाई का नाम आदित्य है, मतलब सूरज, मेरी माँ का सूरज है। अब मैं सोचने लगा, वो अपने बारे में क्या कहेगी? और मैं हूँ चांद, उसने कहा।
मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे यह नाम क्यों दिया, पर मॉम कहती है कि मॉम और डैड चांद को बहुत पसंद करते हैं। उसके चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आई, पर यह उदासी भरी मुस्कान थी। चांद कभी सूरज की जगह नहीं ले सकता। मुझे ऐसा लगा कि वह अपने आप को तुच्छ समझती है। लोग उसके नाम को बिगाड़ कर लुनेटिक कहते हैं, जैसे कि वह पागल हो। मैं काफी सीरियस होकर कहा, मुझे चांद को देखना बेहद पसंद है। मैं उसे अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं कहा था, बल्कि सच कह रहा था। वह मेरी तरफ देखने लगी, उसका मुंह जरा सा खुल गया, ऐसा लगा कि कुछ सोच रही हो। फिर मुझे एहसास हुआ यह सुनने में कितना गलत लगा होगा। वह अपने बारे में बात कर रही थी, चांद, और मैंने कहा मुझे चांद पसंद है, यानी कि मुझे वह पसंद है, मुझे उसे देखना पसंद है। यह सुनने में गलत लग रहा है, उम्मीद करता हूँ उसके दिमाग में यह बात न आई हो। लेकिन इस पल उसके गाल ब्लश करने लगे और मैं अपने आप को कोसने लगा, शिट। कहानी लूना की जुबानी। आज सुबह काफी भारी दिल के साथ मैं अपने स्कूल के मैदान में चल रही थी और मेरा दिमाग मुझे यही बता रहा था जो कल मैक्स के साथ कॉफी शॉप में हुआ था। क्या होगा अगर किसी ने हमें देख लिया होगा। मैं खुद को समझाने लगी कि हम बस इंग्लिश असाइनमेंट कर रहे थे और मैं ऐसे ही जगह चुनी थी जो सुनसान इलाके में है, कोई आता जाता नहीं। मैं सांस छोड़ी, बस मुझे उसके साथ वह बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए थी। आखिर मैं क्या सोच रही थी, मैंने गैलेक्सी, प्लैनेट, चांद, इन सब चीजों के बारे में क्यों बात की, और मैंने अचानक से अपने माँ बाप की लव स्टोरी क्यों बताने लगी। यह बहुत ही शर्मनाक है। मैं स्कूल में किसी के सामने खुलकर बातें नहीं की पिछले साल के उस घटना के बाद, और स्कूल में किसी ने मुझसे कभी बात भी नहीं की। मुझे लगा मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हो गई थी जब मुझे कोई बात करने को मिला। अपने होंठ काटते हुए मैं अपने लॉकर के पास आई, मैंने अपनी बैग की स्ट्रिप कसकर पकड़ ली। यह मेरी आदत है, जब भी कोई मेरी ओर देखता है मैं ऐसा ही करती हूँ। पर अजीब बात यह है कि लोगों को लगता है कि मैं उन्हें घूरते हुए नहीं देख रही हूँ, पर मुझे यह समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे देखते ही लोग इरिटेट हो जाते हैं तो फिर मेरी ओर घूर घूर के देखते ही क्यों हैं। मेरे पैर वहीं थम गए जब मैं लॉकर के सामने किसी को देखा, राज और उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया। मेरी किस्मत ही खराब है, वह दोनों एक दूसरे को पकड़कर हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, और मेरा दिल धड़क उठा जब उन दोनों ने मुझे देखा। जल्दी ही हम तीनों का एक जगह पर ही होना दूसरे सारे छात्रों का ध्यान खींचा। मुझे एहसास हुआ कि अब बहुत सारी आंखें मेरी ओर थी। एक पल के लिए मेरी आंखें रात से मिली और फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड को काफी जोर से किस करने लगा। लोगों के सामने जो एक दूसरे के प्रति प्यार दिखा रहे थे, अब वह बहुत जंगली बन चुका था। सोनिया अब सिसकी लेने लगी थी, मुझे पता है वह हंस रही है, जबकि मैं उनकी ओर देख भी नहीं रही थी, बल्कि अपने लॉकर में से बायोलॉजी की बुक निकाल रही थी जो कि आज की पहली क्लास थी। सोनिया और राज परफेक्ट कपल है, वह 6 महीने से डेटिंग कर रहे हैं। सोनिया एक आर्किटेक्ट और सुपर मॉडल की बेटी है, उसकी माँ की तरह उसके परफेक्ट बॉडी है, लंबे लंबे पैर, दूधिया रंग और काफी खूबसूरत आंखें, और बाल तो ऐसे हैं कि शैम्पू के एड में काम कर सकती है। जैसे ही मैंने अपनी लॉकर बंद की, सोनिया उधर से चिल्लाई, लूनी लूना हमेशा अकेली रहती हो ना, मैं अभी उसकी ओर नहीं देखा, चलने लगी, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे उनकी दिशा में ही जाना था। वह चीखी, तुम आखिर स्कूल में आते ही क्यों हो, जब तुम्हें यहाँ कोई चाहता ही नहीं। राज मुस्काया, कहा बेबी, और उसका होंठ हल्का सा किस किया। मेरा दिल जलने लगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मुझे गुस्सा होने का हक भी है या नहीं। कहानी मैक्स की जुबानी। जब लंच का ब्रेक हुआ, मैं लूना के पास गया, पूछा, क्या वही जगह और वही समय में। मैंने अपनी भौं ऊंची की और अपने हाथों को सीने में मोड़ लिया और उसके सामने वाले डेस्क पर अपने शरीर का भार रखा। लूना अपनी किताब पैक कर रही थी। वह मेरी तरफ ऐसे देखी कि उसे समझ नहीं आया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। उसने त्योरी चढ़ाई, स्कूल के बाद, मैंने पूछा, हमें वह असाइनमेंट पूरा भी करना है, कल उसे सबमिट करना है और उसका कंक्लूजन अभी नहीं बना है। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, उसने अपने सर जोर से हिलाया यह बताने के लिए कि वो राजी नहीं है। उसने कहा, मुझे लगता है यह करने की जरूरत नहीं है, मैक्स मैं कंक्लूजन बना लूंगी। उसने अपने पैरों की ओर देखा और फिर मेरी त्योरी चढ़ गई। फिर से वह मुझसे इतनी दूर कैसे हो गई, यहाँ तक कि वह मेरी आंखों को भी अनदेखा कर रही है जब हम आपस में बातें कर रहे हैं। अब अस्वस्थि में थी और जब मैं आसपास देखा तो मैंने देखा सब अपनी आंखें हमसे हटा रहे हैं, जैसे कि हमें देखते हुए पकड़े गए हो। बड़ी अजीब बात है, मैंने झुंझलाहट के साथ पूछा, तुम यह सोच रही हो कि तुम यह अकेली ही ऐसे ही कर दोगी।
उसने जोर दिया, मुझे बुरा नहीं लगेगा यह हमारे लिए करने में, हमें दोबारा से उसे डिस्कस करना चाहिए। मैंने कहा, और हमने जैसे कल काम किया, मुझे नहीं लगता ज्यादा वक्त भी लगेगा। लूना थोड़ी देर चुप रही, फिर गला साफ करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता है इसके पीछे हमें अपने समय को बर्बाद करना चाहिए, जबकि मैं अकेले ही कंक्लूजन लिख सकती हूँ और तुम ईमेल में अपना हिस्सा बता सकते हो। मैंने अपनी आंखें घुमाई, मेरा दिल डूबने लगा यह सुनकर कि जो समय हमने साथ बिताए थे वह बस वक्त की बर्बादी थी। मुझे लगा था कि हमने वह बर्फ कल तोड़ दी है, पर मैं सही था। लूना माथुर में टीम वर्क करने की काबिलियत ही नहीं है। मैक्स, तुम आ रहे हो क्या? एक लड़का दरवाजे में खड़ा मुझे पुकारा और बाकी लड़के भी इंतजार में थे ताकि वह लंच के लिए जा सके। मैंने कहा, थोड़ी देर में आता हूँ, यह जताने के लिए कि वह मेरा इंतजार न करे। लड़कों के चेहरे में भी उत्सुकता थी। मेरा ध्यान अब लूना में था। मैं उसका निरीक्षण करने लगा और मुझे एहसास हुआ कि वह और ज्यादा अस्वस्थी में पड़ गई है। क्या तुम मेरे साथ जोड़ी में काम करने से नफरत करती हो? मैंने यह सवाल उसकी ओर फेंका। मुझे परवाह नहीं है कि मैं उसके साथ कैसा बिहेव किया। उसने एक गहरी सांस ली, कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने उपहास किया, तुम्हें मेरा साथ सुखद नहीं लगता, ठीक कहा ना? उसने कहा, तुम यह क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा, अच्छा तो फिर अपने चेहरे को उसके पास लेकर गया जिससे वो थोड़ी सी पीछे हो गई, फिर तुम मेरी ओर क्यों नहीं देख रही हो जब हम अभी बात कर रहे हैं? मैंने काफी धीरे से पूछा। अपने निचले होठ को काटते हुए उसने एक सांस छोड़ी, फिर आखिरकार मेरी आंखों में देखा। हालांकि उसके लिए वह हिम्मत जुगाड़ कर रही थी। मैंने उसकी चॉकलेट आंखों में देखा और हमारे बीच का माहौल काफी तनाव से भरा हुआ था, इसलिए मैं उसके सामने वाले डेस्क पर पीछे हट गया। क्लासरूम में जो शांति थी उससे मैं इधर उधर देखा और फिर सबको हमारी ओर देखता हुआ पाया। मैंने देखा लूना फिर से अपनी नजरें मुझसे हटा ली, जैसे कि बातचीत अभी खत्म करना चाहती हो। मुझे हैरत हुई कि लूना मुझसे नफरत करती है या यह अटेंशन से जो हमें मिल रहा है उससे। एक बात निश्चित है, आज स्कूल के बाद वह मुझे नहीं मिलने वाली। मुझे अपना फोन दो, मैंने उससे कहा, जिससे वह अकबका गई। लेकिन फिर जब उसने मुझे अपना फोन दिया, मैंने उसमें अपना नंबर फिट कर दिया और कहा, मैं तुम्हें जब भी कॉल करूंगा तो मेरा फोन उठा लेना। क्या होगा जब मैक्स को लूना की सच्चाई का पता चलेगा और वह उसे बुली होते हुए देखेगा, उसकी मदद करेगा? क्या उन दोनों में प्यार हो पाएगा? लूना सारे दीवार गिराकर क्या उससे अपने दिल की बात कह पाएगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।